सो हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, किमचो, दिस डीजे आदिल के, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन ब्लॉग। एंड चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक मोटो ब्लॉग बनाया था, उस मोटो ब्लॉग में आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो मैंने सोचा था क्यों ना एक दूसरा माइक यूज़ किया जाए, तो उससे आवाज़ बेहतर हो सकती है। तो मैंने दूसरा माइक भी ऑर्डर किया था, उस माइक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सबसे पहले चलिए माइक दिखा देते हैं और माइक को अनबॉक्स कर देते हैं। अभी हमने हेलमेट में सेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ओके हो गया है। सो इसको मैंने हेलमेट में फिक्स कर लिया है एंड बढ़िया अच्छे से लगा भी लिया है। और अभी चलते हैं हम डायरेक्ट हाईवे पर, एंड हाईवे पर इसको टेस्ट करते हैं कि कैसी आवाज़ है, कैसी नहीं है। तो इस माइक को भी हम चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाला जो मोटो ब्लॉग था वो हमारा ख़राब हो चुका था, एंड इस वाले माइक को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सो इस माइक का सेटअप वेटअप करने के बाद मैं आ गया हूँ डायरेक्ट हाईवे पर, एंड हाईवे पर होगी इसकी टेस्टिंग, और टेस्टिंग में देखते हैं नॉइसिंग आती है या नहीं आती है और कैसा परफॉर्म करता है ये। इससे पहले मैंने बोया का माइक यूज़ किया है, उससे भी पहले मैंने दो माइक यूज़ किए हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं किया। उसके बाद मैं बोया को छोड़ कर ये वाला माइक यूज़ किया हूँ। सो यहाँ पर मैंने माउंट को और अपने माइक को एडजस्ट कर लिया है, एंड ये सब सेटअप मैंने कैसे किया है, अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख भी सकते हो। एंड अभी हम यहाँ पर आए हैं माइक टेस्ट करने के लिए, कि जो मैंने मुआना का माइक लिया है तो वो माइक देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि पिछली बार मैंने बोया का माइक यूज़ किया था तो पिछली बार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। एंड ये मैंने दूसरा माइक लिया है जो आपने अभी अनबॉक्सिंग देखी ली, और इसको हम चेक करने वाले हैं, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। और सेटअप कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका। तो सारी सब कुछ चीज़ें देखिए, हम इस गाड़ी से करने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत, एंड अभी चलेंगे चेक करेंगे कि कैसी आवाज़ आती है। तो आई होप, मैं तो सोच रहा हूँ अगर अच्छी आ गई तो आने वाले वक्त में आप कहीं ना कहीं मोटो ब्लॉग के परफॉर्मेंस एंड ब्लॉग्स वगैरह देखते रहोगे। तो अभी चलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली इसको लगा लेना है, कुछ नहीं, इसमें इतना वेट भी नहीं है, इस फ़ोन का भी नहीं है, माउंट का भी नहीं, ज़्यादा कुछ भारी नहीं लगेगा आपको। लगाने के बाद शीशा भी खोल सकते हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हो इसमें से कि कहाँ पे क्या क्लिक करना है। तो आ गए हैं और अब चेक करते हैं थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस। हालांकि सब कुछ तो ठीक लग रहा है यार, आई होप ये परफॉर्म अच्छा करे, बस मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि जितनी आवाज़ आती है, ये फ्लैग भी लगा रखा है खूबसूरत सा, जो आवाज़ आती है हवा की तो वो बहुत ही ख़राब कर देती है वीडियो को। तो कैमरामैन को कहते हैं बैठ जाओ, तो कैमरामैन भी बैठ जाता अपना। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या। ओके, जय शंकर महाराज, आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। तो बाइक की आवाज़ आप थोड़ी बहुत देख रहे होगे, सुनने में आ रही होगी, और इधर शीशे में आप देख सकते हैं और पीछे भी। तो यार बस दुआ करते हैं कि अभी तक जो आवाज़ आ रही होगी वो आपको अच्छी आ रही होगी। तो थोड़ा सा स्पीड भी चेक करेंगे, स्पीड भी इसकी मेंटेन करेंगे हम सारी सब कुछ चीज़ें हम चेक करेंगे, सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं इस मोटो ब्लॉग में। आई होप यार ये परफॉर्म अच्छा कर जाए, बस मुझे इस माइक की टेंशन है, बाकी तो मेरे पास पूरा सेटअप हो चुका है। और ये माइक अगर अच्छा काम कर जाता है तो आने वाले टाइम में आप हमेशा देखोगे, मैं चेक करते हैं कि ऑडियो किस हिसाब से आ रही है, फिर हमें पता चलेगा कुछ। ओके, हमारे साथ एक केस हो गया, हमने जो ये माइक का सेटअप किया है अभी किया, तो माइक को इस साइड पर सेट कर लिया है और शीशे को अच्छे से बंद कर लिया, तो मैंने ये नहीं लगाया था और मैं वहाँ से चला आ रहा हूँ सीधा।
पोपट हो गया। अभी चेक करते हैं कि अभी मैंने माइक को अलग जगह पर रख दिया है और अब पता नहीं किस टाइप की आवाज़ आ रही होगी। तो ये सब चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। आई होप कि अब आवाज़ तो कितनी नहीं आ रही होगी आपके पास, क्योंकि हमने हवा को रोक दिया है। ओके, तो हमने जो ये माइक का सेटअप किया था ये भी हो गया ख़राब, और जितना भी पैसा माइक में लगाया था हमने वो भी हो गया बर्बाद। तो अभी ये भी काम नहीं कर रहा है जो हमने ये सेटअप लगाया था। एंड हम यहाँ पर ये कनेक्टर आप देख रहे हो, तो ये कनेक्टर भी हम खरीद कर लाए थे। ये 100 रुपीज़ का पड़ा था, ये लोकल मार्केट में आपको कहीं से भी मिल जाएगा। सो जो नॉइसिंग है वो कम नहीं कर पा रहा है। आई थिंक मुझे रोड का माइक अब लगाना पड़ेगा, जो 6,500 का माइक आता है, तो उसको जब यूज़ करूँगा तो शायद नॉइसिंग कम हो जाए। तो अभी के लिए ये वाला मोटो ब्लॉग भी फ्लॉप हो गया एंड पूरा पैसा वेस्ट हो गया। जो कुछ भी आपने देखा वो माइक भी मैंने दिखा दी, उस माइक की अनबॉक्सिंग भी मैंने दिखा दी। तो इस माइक से आप घर पर घर बैठकर कहीं भी जहां पर शोर ना हो वहां पर भाई बहुत अच्छी क्वालिटी से आप वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन आप मोटो ब्लॉग के लिए ले रहे हो तो आई थिंक ये काम अच्छे से नहीं करने वाला। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि जो रोड का माइक आता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह से यूज़ करते हैं, तो आप वो वाला माइक यूज़ करें। खैर इससे तो मेरा नहीं हो पाया, इससे तो पैसा वेस्ट ही हो गया। और बाकी यहाँ पर अगर ये वाला आपको माउंट चाहिए, ये वाला, तो ये माउंट एंड ये सेटअप पूरा अगर आपको चाहिए तो इसका भी व्लॉग आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। टाइप सी का कनेक्टर लगता है, तो आपको टाइप सी का कनेक्टर ये अलग से लोकल मार्केट में 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। एंड बाकी जो मैंने माइक यूज़ किया था, तो ये है वो माइक, ये माइक भी काम नहीं किया।